भाभी, तुम्हारा पति 4 दिन से लापता है और ऐसे में तुम 16 सिंगार करके बड़ पूजा करने जा रही हो। हो पाएगा तुमसे? पता नहीं मेरा भाई कहाँ है, कैसा है, जिंदा है भैया? अरे नहीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। मेरी मांग का चमकता हुआ सिंदूर और मेरे हाथों की मेहंदी का ये गाढ़ा रंग उनकी सलामती के साक्षात प्रमाण है। ये बिछिया, पायल और मंगलसूत्र पहले मेरे लिए सिर्फ गहने थे, लेकिन मैं अब ये जान गई हूँ कि ये सुहाग की निशानियाँ एक सुहागन के लिए अटूट विश्वास का प्रतीक है। तो फिर भगवान मेरा विश्वास कैसे तोड़ सकते हैं? उन्हें लौट कर आना ही होगा। मैं कुछ भी करता हूँ तुम्हारे लिए कम ही पड़ता है। इस रोज दिन के चिक चिक से मैं तंग आ गया हूँ। जी करता है कहीं भाग जाऊं और कभी वापिस ना आऊं। हाँ तो चले जाओ ना, रोका किसने है? सोचा था शादी के बाद महारानी बन के रहूंगी, पर जब से इस घर में आई हूँ मेरी हालत तो नौकरानी से भी बुरी हो गई है। मेरे सच्चे प्यार को तुम कभी समझ ही नहीं पाई। सावित्री ने जैसे किया असंभव को संभव, पति के प्राणों को वापस लाके बनी सृष्टि का गौरव। माँ सावित्री ने जैसे किया असंभव को संभव, पति के प्राणों को वापस लाके बनी सृष्टि का गौरव। तुम जैसे लोग हमारे समाज के लिए दीमक की तरह हो, जिनका सही समय पर इलाज न किया गया तो हमारी आने वाली पीढ़ी खोखली हो जाएगी। आज के बाद इस इलाके में नजर भी आए तो पुलिस को खबर कर दूंगा। बॉस, ये अपने धंधे के बारे में सब कुछ जान चुका है, अब इसका यूं आजाद घूमना हमारे लिए ठीक नहीं है। पंछी को पिंजरे में डालना ही होगा। कोई कच्चा धागा नहीं है ये विश्वास का धागा, पूजा की मेरे पैरों की लाज रखना बट राजा।
कच्चा धागा नहीं है ये विश्वास का धागा। पूजा की मेरे फेरों की लाज रखना वट राजा। विश्वास का ये दिया मैं सदा ही जलाऊं, हर साल पूजन को वट के छांव में मैं भी आऊं, हर साल पूजन को वट के छांव में मैं भी आऊं। मैं घबराऊं अब कहां जाऊं, मेरा तकदीर रोटे नहीं, बंधन ये जन्म बटुआ और मोबाइल तो उनका ही है। मेरा दिल कह रहा है वो कहीं आसपास ही है। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ। श्रद्धा, तुम? मैं भी तुम्हें हमेशा परेशानी में ही डाल देता हूँ ना। अरे नहीं, ऐसा मत बोलिए। मैं अब जान गई हूँ कि मेरी सच्ची खुशी आपसे ही है। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। ओ मैडम, इतने आसानी से कैसे निकल जाओगी? मैं बोल रही हूँ ना, जाने दो हमें, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। इतनी हिम्मत है इन कोमल हाथों में? एक पत्नी की हिम्मत को तुमने देखा कहाँ है? वो चाहे तो माता सावित्री बनके यमराज से भी अपने पति के प्राणों को वापस ला सकती है।